ये लोकल ड्रिंक्स छैंग दादा पर दादा के टाइम से अरे दशहरा आ गए यार अभी तो खत्म नहीं हुआ। Good morning, guys. Tasi Dili se wari phefulu namaste. This is your Darshan Thamang, and once again, welcome back to my YouTube channel, Darshan Vlogs. So, guys, अभी दशहरा का माहौल शुरू हो गया है, इसलिए घर पे एकदम साफ सफाई चल रहा है, guys. तो मैंने भी ये मैट वैट निकाल के साफ वॉक कर रहा हूँ अपना घर वर. और guys, आज मौसम थोड़ा बड़ा धूप वूप निकल रहा है, एंड मैंने थोड़ा जूता वूता भी धोना है, तो इसको थोड़ा सुखाया था. अब सारे जूते धोने हैं guys मेरा. सो चलो अभी देखते हैं क्या क्या हो रहा है. guys, आज ना सब लोग मिलके घर साफ सफाई कर रहा है. और ये देखो अंशु भी आ गई है, करिश्मा दीदी भी आ गई है, तो सब लोग मिलकर घर साफ कर रहे हैं. और देखो घर में अभी मतलब पाव रखने का जगह भी नहीं है यार, ऐसा कर दिया. देखो सारा सामान निकाल के. हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग नाना. यस, क्या कर रहे हो? साफ सफाई दशहरा का. दशहरा का साफ सफाई चल रहा है. देखो गाइस घर में ऐसा बना दिया, मतलब चलने का जगह भी नहीं रखा है. ये देखो धूल मिट्टी का काम हो रहा है यार. दंगल दंगल. हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग. नमस्ते. मम्मी क्या कर रही है? मम्मी दसैँको भाँडा टल्काउनु हुँदो रहेछ. देखो गाइस मम्मीले कितना अच्छा साफ कर दिया, टिलिक टिलिक टल्काएर. आज सब काममा लागिरहेको छ. म दामी टल्काइछ. सुपर मम्मी, बहुत अच्छा बनाए मम्मी. अब इतना सारा करने है, मम्मी का काम बहुत है आज. हेलो, गुड मर्निङ बडी. बडी चाहिँ के ल्याउनु हुनुभएको? दसैँको गिफ्ट. ए दसैँमा वाइन वाइन खाने. हेलो, गुड मर्निङ आशु. बिचरा आशु आते काम पे लग गया. आशु बर्तन बर्तन धो रहे है. गाना सुन के गाना भी देखो यार, यहाँ पर नीचे मुर्गी है, मुर्गी के ऊपर डोको डोको के ऊपर आशु का गाना बज रहा है यहाँ पर. हाँ, और गाइस ये देखो करिश बनाना का बचपन का गुड़िया बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, इसको भी धोना है यार. बेचारा ऐसा हो गया बेबी डॉल. ये देखो ये मम्मी जी का मुर्गी है. मम्मी जी ने डोको से ढक के रखा है मुर्गी को. ये देखो बड़ा हो गया ये मुर्गी. हाय मुर्गी, गुड मॉर्निंग. ये तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ डैडी जी की दुकान में, और डैडी जी भी अपना दुकान मतलब दशहरा के लिए ऐसे शॉपिंग मतलब वो कर रहे हैं, सजा रहे हैं. और टाजन भाई हेल्प कर रहे हैं. टाजन भाई क्या है नया आइटम, क्या आ रहा है? नया आइटम है बच्चों के लिए. हेलो, गुड मॉर्निंग बोल दो पहले. गुड मॉर्निंग गाइज. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हेलो, गुड मॉर्निंग डैडी जी. गुड मॉर्निंग. क्या हो रहा है? सो गाइज दशहरा के लिए खिलौना है, बच्चों को खिलौना क्या क्या लेके आया. टाजन भाई हेल्प कर रहे हैं बैटरी लगा के. देखो ये सब है, एक मिनट ये सब होगा, पर डालना पड़ेगा. ये जिबिक लाइट लेके आया. और इसमें क्या दिखाऊंगा? बहुत सारे खिलौने यहाँ पर. अभी डुनेमान है. डुनेमान पोकेमान. इसमें तो सब है. ये वालनो एयरप्लेन. ए इसमें लगाना. ऑफर ले लो लाइट के साथ. ₹50. ये दूसरा है. ये चार पार्ट्स है ना, बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को. मतलब डैडी जी ने दशहरा दिवाली के लिए क्या क्या लिखा है. तो अभी थोड़ा बहुत सजा रहा है. सो गाइज अभी देखो कपड़े वपड़े धो के सुखा रहा था, और मौसम देखो फिर से खराब हो गया है. और ना गाइज गलती से मैंने ना कपड़े के साथ पैसे भी धो दिया है, और अभी पैसे भी सुखा रहा हूँ. ये देखो ₹50 और ₹20, ₹70 मैंने धो दिया भाई. देखो अभी ये भी साफ हो गया है पैसा, इसको भी सुखा रहूँगा. सो गाइज इसको थोड़े यहाँ पर सुखाऊंगा, फिर नीचे लेके जाऊँगा. शायद आप लोगों ने भी ये गलती किया होगा, अगर आप लोगों ने मतलब कपड़े के साथ पैसा कभी धोया है ज़िंदगी में तो कमेंट करके ज़रूर बता देना. सो गाइस मैंने तो बहुत बार धोया है, तो इस बार मैंने ₹70 धो दिया गाइस. देखो शुक्र है कि ये फट नहीं गया. सो गाइस अभी शाम हो चुका है, और मैं अभी आया हूँ सूरज जोजो के घर में, यानी कि मेरे ब्रदर के घर में, क्योंकि यहाँ पर आज फैमिली गेट टुगेदर है, और छोटा सा पूजा भी है फैमिली में होता है ना. एवरी ईयर हम ऐसे पूजा करते हैं सब फैमिली मिलकर. तो पिछली बार हमारे दादाजी के घर में तो था, और इस बार है जोजो के घर में. और गाइज अभी देखो मौसम ऐसा है, बारिश हो रहा है बाहर, और सब लोग अभी यहाँ पर पूजा करने के लिए रेडी है. तो देखो चिया
सो गाइस अभी पूजा शुरू हो गया है। सो ये है हमारा पूरा फैमिली, तामाङ फैमिली, बल परिवार है। ल सबैजनाले बसो फेबुलो। हाँ लो एक एक तालमा फेबुलो भन्दिन त। 1 2 3 फेबुलो फेबुलो। जी हमारे फैमिली का कुल का पूजा बोलते हैं। सो यो चाहिँ हाम्रो कुल को पूजा हो है, तामाङ परिवार को। सो यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो इसको हम बोलते हैं तोर्मा। सो ये चावल का बनाया हुआ है और फ्रूट्स वगैरह भी है। ये लोकल ड्रिंक्स छ्याङ रक्सी आरक। सो गाइस अभी पूजा करेंगे इससे चावल से। लो सबै जनालाई बाँड्दिन। अभी पूजा शुरू हो चुका है और ना गाइस ये जो पूजा है हमारे फैमिली का पूजा है और एवरी ईयर हर साल मनाते हैं। और ये सिर्फ हम नहीं, मतलब हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा के टाइम से ये मतलब मनाते आए हैं। तो हम भी उसको फॉलो करते हुए तो ये पूजा को अभी करने वाले। डैडी जी कुछ कुछ बोल रहे हैं पूरा फैमिली को। डैडी जी हमारा गुरु जी इस पूजा का। अब हाम्रो दाजुभाइ जति छ अब माइला चर्चकोमा हुँदैछ होइन, यो माइला चर्चको घरमा फर्स्ट टाइम खेपासुङ हुँदैछ होइन, खुसी पनि लाग्यो सबैजना परिवार भेला भएको छ। अब हामीलाई मेमेले सिकाएको यस्तै हो, हामीले एकदम पारव्यक्तबाट भन्छौँ। यदि कहीँ केही भुलचुक भयो गल्ती भन् चाहिँ आफै मेमेहरूले नै एकदम सुनेर लगिदिने होइन। कुल्गी लामा कुन्जे साङ सुप्पा साङसो साङो 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 यस्तो रहेछ भनेर दाजु बस्नु न। मेरो सब्जी डढाइहाल्ला फेरि धिमला जुगु आखे मेमे से हेलो गाइज गुड मॉर्निंग। सो दिस इज द नेक्स्ट डे। और ना गाइज कल ना पूजा में मतलब थोड़ा लेट हो गया था, फिर हम लेट नाइट घर आए। तो आज मैं टाउन जा रहा हूँ क्योंकि कल दुर्गा पूजा है। कल से तो पूरा मार्केट मतलब बहुत ज़्यादा बिजी होगा। आज भी बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि आज फूलपाती है ना। तो मैं सोचा कि थोड़ा टाउन में जाऊँगा, मेरा कुछ काम भी है। तो मम्मी जी देखो सुबह सुबह क्या कर रहे हैं। मम्मी अपना बच्चे को नहला रही है। देखो यार पोती को नहला हूँ, मेरे पोती को नहला। मम्मी जी का ये करिश्मा देना का अन्न बाबुलाई जाडो भयो, आछु छु 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 ठन्डे ठन्डे पानी से नहाना चाहिए। ला जल्दी गरो, ठन्ड लग रहा है बिचारा। पोतीहरूलाई चाहिँ धुनु ब्रसले। खुला छैन नि, प्याकेटको छ। देखो मम्मी जी अपने बच्चे को ऐसा नहलाते है। देखो ब्रश से करते है, ऐसा कौन करते है अपने बच्चे को। देखो बिचारा नया बना दिया मम्मी जी ने तो गुड़िया। देखो करिश्मा दीदी और अश्विनी तो अभी तक घर साफ नहीं किया, दशहरा आ गए, अभी तक दोनों का काम खत्म नहीं हुआ है। हेलो, अरे दशहरा आ गए यार, अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये नया मैट लगाना पड़ेगा ना दशहरा में। गेस्ट आएंगे। कौन आएगा गेस्ट? कब खत्म होगा फिर? आज पता नहीं, रात हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ टाउन। अब दूसरे रूम में क्या हो रहा है? रूम नंबर 24 हो गया, ऑलमोस्ट डन। लो हुँदैछ तयारी। मैं डैडी जी की दुकान में आ गया हूँ और सबसे ज्यादा दशहरा दिवाली में चलने वाला जो मिठाई है ये सब ये मम्मी जी के दुकान में लेके जाने। कतिवटा अरे 20 कहाँ बाटो बनिँदैछ भने बाबा यहाँ लानु अन्डा। ए मम्मी डैडी जी ने भेजा है बहुत सारा मिठाई।
गाइस देखो ये दशहरा का केला फ्रूट्स वगैरह भी आया है, बहुत ज्यादा काम है अभी। हां मम्मी ये तो कोतर कोतर रहे, बहुत बड़ा बड़ा है तो यार आपके लिए चाहिए आपको, घर में रखना नहीं खाने एक थोड़ा। ओके ओले अंडा से इसमें, इसमें अंडे है धन्यवाद। सो गाइस ये है दशहरा का केला, बहुत बड़ा है दशहरा का केरा, हेर्दा त पाएको छ, भित्र काँचो छ के हो। सिकी लाग्यो है, भात पाक गया। चलो गाइस अभी दशहरा का बिजी तो ऐसे ही है, सब लोग अपने अपने काम पे है, तो मैं तो अभी टाउन जा रहा हूँ। तो सो गाइस कल तो दुर्गा पूजा है ना, तो देखेंगे दुर्गा पूजा में कल टाउन जाऊंगा या फिर घर में ही ब्लॉग बनाऊंगा, देखेंगे। आज फूलपाती है यार, बार बार सीटी लग रहा है। मम्मी सीटी लाग लगे से भात पाक लो, भात हो क्या हो पक गया शायद। सो गाइस आज फूलपाती है, तो फूलपाती का शायद कुछ ब्लॉग बनाऊंगा टाउन में जाके, सो देखेंगे। सो वो वाला ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में देख लेना। तो चलो गाइज आप लोगों को भी दशहरा के बहुत सारे ढेर ढेर शुभकामनाएं, और चलो गाइज होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए दर्शन ब्लॉग्स, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। बाय बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।